हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। और यहाँ पर जो पुणे यूनिवर्सिटी का पेट एग्जामिनेशन होता है उसके डेट्स जो है वो आ चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट्स है वो अनाउंस्ड हो चुके हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है। जैसे आपको क्या करना है, सिंपल से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, गूगल में टाइप कर सकते हो SPPU PhD। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये दिखेगा bcud.unipune.ac.in, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको पहला ही यहां पर दिखेगा ये नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जहां पर आप देख सकते हो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। अब इसके अंदर एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट से उनसे। अब यहां पर जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो दो पेपर में यहां पर डिवाइड किया गया है, दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा और उसमें सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। देन पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, और कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन ड्यू कोर्स। अगर कोई स्टूडेंट CSIR नेट क्वालिफाइड हुआ है या फिर कोई स्टूडेंट अगर DBT JRF क्वालिफाइड हुआ है, जिनके पास खुद की फेलोशिप है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब द टेस्ट एंट्रेंस पेपर है, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दे आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस मुझे आएंगे और इन जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस आएंगे। कोई बॉटनी से है तो बॉटनी के उसको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बाकी 50 जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के यहां पर उनको सॉल्व करने होंगे। क्या डेट्स है, तो आपको दिख रहा है यहां पर शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस डेट। तो जो पीएचडी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 22 अगस्त 2021 को होगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, 8 से स्टार्ट होने वाले, 12 जुलाई से। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, दैट इज 24 अगस्त। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा बोल रखा है कि कोई भी सेपरेट सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं मिलेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है पीएचडी के लिए वो कंडक्ट की जाएगी ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड। इस बार बोल रहे कि पेट का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, देन ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, सो 10 AM to 4 PM के बीच में ये यहां पर कहा गया है, लेकिन आपको पता है कि ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि ऐसा ही होगा। स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 50%, और अगर रिजर्व कैटेगरी का है उसको 45%। मतलब यहां पर 100 में से अगर आप 50 मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन जो है, या आप पेट क्वालिफाइड हो ऐसे आपको बोला जाएगा। ठीक है, अब ये एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आराम से इसको रीड कर सकते हैं। फीस कितनी, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, पेट की जनरल कैटेगरी फीस है 1000 रुपीज, रिजर्वेशन के लिए 750 रुपीज है। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जनरल कैटेगरी के लिए 800 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये है यहां पर 600। ओके, पेमेंट जो है आप डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वेबसाइट्स दी रखी है यहां पर कुछ, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, मतलब अगर आप कास्ट से हो तो आपका वो सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके यूजी पीजी के सर्टिफिकेट, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है, तो वो चीजें भी आप इस जगह पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जम्पशन कैंडिडेट, ये देखो आपको क्या बोला है यहां पर, जो फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट्स के पास, जिन कैंडिडेट्स के पास CSIR या बाकी फेलोशिप, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या है। फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, क्लॉज भी उन्होंने दे रखा है कौन सा है। फोटोकॉपी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग JRF, यूजीसी CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, SLET, SET, GATE, तो SET GATE के स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन से
एग्जेम्प्टेड है, लेकिन स्कोर आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप गेट का एग्जाम जो है क्वालिफाइड हो गए 2015 में, उसका वैलिड 3 साल का, तो वो 18 में एक्सपायर हो गया, तो आप वो गेट का स्कोर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। CSIR, ICAR, ICMR, DBT, DST, Inspire Fellowship, Joint Graduate Entrance Examination for Biology and Interdisciplinary Life Science, JJ Bills, यानी कि TIFR, और Teacher Fellowship Holder Certificate। तो ये चीजें जो है, इन सारे एग्जाम के स्टूडेंट्स अगर वो क्वालिफाइड हो गए ये सारे एग्जाम्स, दे आर exempted फ्रॉम The पेट एग्जामिनेशन। तो उनको जो फॉर्म है वो फिल करना है, कौन से यहां पर बोल रखा ना 800 फीस है ये वाला, तो उसके अंदर आपको यहां पर देखना है ये 800 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपके लिए यहां पर आया है। देन फोटोकॉपी ऑफ एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ SPPU, ये आपको यहां पर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एमफिल कंपल्सरी नहीं, दोनों में से ये 1 और 2 है, दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होगी तो भी आपको यहां पर सफिशियंट है। कुछ यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे, उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप यहां पर देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पर वर्कआउट कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये पेट का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस स्टूडेंट्स आपके लिए आया है, क्योंकि आपको पता है अगर पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस है या पुणे यूनिवर्सिटी में आपको PhD करनी है तो आपको पेट का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन जो है आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मिलते हैं ऐसी किसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऑन IFS ऑनलाइन, और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से IFS ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।